हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइज, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 4 एक्सीलेंट एंड पावरफुल वेबसाइट्स जहां से आप अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक गेन कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो अब चलेंगे हम अपनी फर्स्ट वेबसाइट की तरफ। एंड हमारी जो फर्स्ट वेबसाइट है वो है plaza.rakuten.co.jp। एंड इस वेबसाइट की जो अथॉरिटी है वो वास्तव में बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज अथॉरिटी 71 है, डोमेन अथॉरिटी 94 है एंड स्पैम स्कोर ओनली 1% का है। एंड अगर सिमिलर वेब पे मैं आपको इस वेबसाइट के ट्रैफिक स्टेट्स चेक कराऊं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6.1 मिलियन का मंथली ट्रैफिक है इस वेबसाइट पे एंड 3.14 मिनट्स की एवरेज विजिट ड्यूरेशन है। टॉप 5 कंट्रीज जहाँ से ट्रैफिक है इस वेबसाइट पे वो हैं जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, ताइवान एंड इटली। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे साइन अप करना है। तो सबसे पहले मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करूँगा, ये जापानीज लैंग्वेज में है। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा राकुतन मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन फ्री, इस पर आप क्लिक करेंगे और इसके बाद फिर से आप क्लिक करेंगे क्रिएट अ न्यू राकुतन अकाउंट फ्री वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे आपको सारे स्टेप्स ये फिल आउट करने हैं, जैसे कि ईमेल आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, निकनेम, जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद आप क्रिएट अ न्यू राकुतन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, अपना अकाउंट वेरीफाई कराएंगे और अपने अकाउंट के अंदर लॉग इन हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लॉग इन करूँगा। तो गाइज, मेरे चैनल पे आपको बहुत बड़ी प्लेलिस्ट मिल जाएगी बैकलिंक से रिलेटेड, और आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेलिस्ट यू कैन फाइंड ऑन यूट्यूब। तो ये वीडियोस आप मेरे चैनल पे जाके वॉच कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अपने अकाउंट के अंदर लॉग इन हो चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करूँगा और नीचे स्क्रॉल करूँगा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मैनेजमेंट एंड सेटिंग्स का, इस पर आप क्लिक करेंगे और फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे ब्लॉग बेसिक। ये वीडियो आपको स्किप नहीं करना है गाइज, क्योंकि अगर आप ये वीडियो स्किप करेंगे तो आप इन वेबसाइट पे बैकलिंक क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है लास्ट तक। तो यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है और अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप अपना निकनेम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप एक कैटेगरी यहाँ से चूज करेंगे और अपने ब्लॉग का टाइटल देंगे और यहाँ पे आप अपने ब्लॉग से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन दे देंगे। इसके बाद चेंज द सेटिंग्स पे क्लिक करके अपनी सारी सेटिंग्स को अपडेट कर देंगे। इसके बाद फिर से मैनेजमेंट एंड सेटिंग्स के अंदर जाएंगे और सेकंड ऑप्शन आप चूज़ कर लेंगे। एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्लॉगिंग का, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ यू सेलेक्ट ऑटोमेटिकली इंस्टॉल एडवर्टाइजमेंट्स विल बी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड इन योर ब्लॉग आर्टिकल एंड यू विल रिसीव राकुतन पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टाइम्स द इंस्टॉल्ड एडवर्टाइजमेंट्स आर व्यूड। तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन चूज कर लेना है और नीचे आके आपको एग्री वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा राइट अ डायरी का, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको कोई भी टाइटल दे देना है, जैसे कि अबाउट मी, मैं यहाँ पे एक टाइटल दे देता हूँ अबाउट मी। इसके बाद आपको कैटेगरी का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आप चाहें तो कैटेगरी ऐड कर सकते हैं या आप चाहें तो इसको अनकैटेगराइज रख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इसको अनकैटेगराइज ही रहने देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे एडिटर का एक ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे आप अपने बारे में एक शॉर्ट नोट दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ विशाल कौशिक इज़ अ प्रोफेशनल ब्लॉगर, यूट्यूबर एंड कंटेंट राइटर, विजिट इज ब्लॉग्स। इसके बाद मैं अपनी वेबसाइट के URL कॉपी करूँगा, जैसे कि मेरी ये वेबसाइट है, मैं इसका URL कॉपी करूँगा और इसके बाद फिर से इस वेबसाइट पर जाऊँगा और यहाँ पर जाके मैं अपना URL पेस्ट कर दूँगा। अगर आपकी मल्टीपल वेबसाइट हैं तो आप बुलेट पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप अपना URL हाईलाइट करेंगे और यहाँ पे आपको इंसर्ट लिंक का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे और लिंक URL वाले ऑप्शन में अपना URL पेस्ट कर देंगे। इसके बाद सिंपली इंसर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा हाइपर लिंक यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद आपको सिंपली इसको पब्लिश कर देना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है द डायरी वॉज पब्लिश्ड। एंड अगर मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँ चेक द पोस्टेड आर्टिकल, तो मैं इसको न्यू टैब में ओपन करूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो हाइपर लिंक है वो आ चुका है। और इसे अगर मैं आपको इंस्पेक्ट पे जाके चेक कराऊँगा गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100% डूफोलो बैकलिंक है और ये इंडेक्सेबल बैकलिंक है गाइस। और यहाँ से आपको बहुत ही मैसिव SEO लिंक जूस मिलेगा,
और आपकी जो वेबसाइट की अथॉरिटी है, रेफरल ट्रैफिक एंड ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आप बैकलिंक गेन कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। अब चलते हैं हमारी सेकंड वेबसाइट की तरफ, एंड हमारी जो सेकंड वेबसाइट है वो है community.agilent.com। एंड अगर इस वेबसाइट की अथॉरिटी मैं आपको चेक कराऊंगा इस, तो पेज अथॉरिटी 51 है, डोमेन अथॉरिटी 66 है एंड स्पैम स्कोर ओनली 1% का है। साथ ही साथ अगर सिमिलर वेब पे मैं आपको इस वेबसाइट के स्टेट्स दिखाऊं तो 52.27% का बाउंस रेट है और अराउंड 77,000 का मंथली ट्रैफिक है। 2.07 मिनट्स की एवरेज विजिट ड्यूरेशन है एंड इस वेबसाइट पे ट्रैफिक मोस्टली यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, कोरिया, जापान और चाइना से है। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे रजिस्टर करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ज्वाइन का, इस पे आप क्लिक करेंगे और क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको अपना फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है और मेक श्योर कि यहाँ पे आपको अपनी बिजनेस ईमेल देनी है, ठीक है। जैसे कि मेरी ईमेल आईडी है info@theseobug.com, तो इस तरह की आपको बिजनेस और प्रोफेशनल ईमेल यहाँ पे आपको देनी है। इसके बाद आप अपना यूजर नेम सेलेक्ट करेंगे, अपना फ़ोन नंबर आप दे सकते हैं और ये मैंडेटरी नहीं है ये वाला फील्ड। इसके बाद आप अपनी कंपनी चूज़ करेंगे, अपनी कंट्री, स्टेट, सिटी आप देंगे। इनकी टर्म एंड कंडीशंस को एग्री करने के बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप अपना अकाउंट वेरीफाई कराएंगे और अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन करूँगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन हो चुका हूँ। अब आपको प्रोफाइल पिक्चर पे जाना है और इसके बाद आप जाएंगे सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और आप चाहें तो यहाँ पे अपने सिग्नेचर वगैरह ऐड कर सकते हैं। एंड सिग्नेचर में आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि आप कुछ भी अपने बारे में एक शॉर्ट नोट दे सकते हैं, अपनी वेबसाइट का URL आप इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट का और यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का लिंक इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और ये सारी सेटिंग्स आप सेव कर देंगे। इसके बाद आप अपने प्रोफाइल पेज पे जाएंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की डिटेल्स आपकी ये सेव हो जाएंगी और यहाँ पे हमारे लिंक्स भी आ चुके हैं आप देख सकते हैं। तो अगर मैं आपको वन बाई वन चेक कराऊंगा गाइस, तो ये 100% डू फॉलो बैक लिंक्स यहाँ से आपको अचीव होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 100% डू फॉलो बैक लिंक है। सेम अगर आपको सेकंड बैक लिंक चेक कराऊं तो ये भी 100% डू फॉलो बैक लिंक है और अगर थर्ड बैक लिंक आपको चेक कराऊंगा गाइस, तो ये भी 100% डू फॉलो बैक लिंक है। तो अब चलते हैं हम हमारी थर्ड वेबसाइट की तरफ एंड हमारी जो थर्ड वेबसाइट है वो है participa.fabb.cat। एंड अगर इस वेबसाइट की अथॉरिटी मैं आपको चेक कराऊंगा इस, तो पेज अथॉरिटी 33 है, डोमेन अथॉरिटी 45 है एंड स्पैम स्कोर 0% एंड 43.87% का बाउंस रेट है, 19K मंथली ट्रैफिक है एंड अराउंड 13 मिनट्स की एवरेज विजिट ड्यूरेशन है। टॉप 5 कंट्रीज जहां से ट्रैफिक है वो हैं स्पेन, वियतनाम, इंडिया, मैक्सिको एंड यूनाइटेड किंगडम। तो सबसे पहले मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेता हूं। तो यहां पे आपको रजिस्टर वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपना नेम, यूज़र नेम देना है, ईमेल आईडी, पासवर्ड को कंफर्म करना है और इनकी टर्म एंड कंडीशंस को एग्री करने के बाद आप साइन अप बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन हो जाना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन हो चुका हूँ। अब आपको अपने नेम पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको जाना है माई पब्लिक प्रोफाइल पर और यहाँ पर आप जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिट प्रोफाइल का, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना पूरा नेम देंगे, एलियास आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको पर्सनल यूआरएल का एक ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करना है और इस वाले सेक्शन में जाके इसको पेस्ट कर देना है। आप चाहें तो अपने बारे में एक शॉर्ट नोट दे सकते हैं और रीजनल सेटिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप अपना अकाउंट अपडेट कर देंगे और फिर से अपने नेम पर जाएंगे और माई पब्लिक प्रोफाइल पर क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ये यूआरएल आ चुका है। और अगर मैं आपको इसे इंस्पेक्ट पे जाके चेक कराऊंगा इस, तो ये हमारा लिंक यहाँ पे आ चुका है और ये 100% नो फॉलो बैक लिंक है। एंड आप चलते हैं हमारी फोर्थ वेबसाइट की तरफ एंड हमारी जो फोर्थ वेबसाइट है वो है community.perchcms.com। एंड इस वेबसाइट की पेज अथॉरिटी 35 है, डोमेन अथॉरिटी 33 है एंड स्पैम स्कोर 0% है। साथ ही साथ अगर सिमिलर वेब पे इस वेबसाइट के मैं स्टेट आपको दिखाऊँ तो 75.69% का बाउंस रेट है, 2.6 के मंथली ट्रैफिक है एंड अराउंड 1.3 मिनट की एवरेज विजिट ड्यूरेशन है। टॉप 5 कंट्रीज जहां से ट्रैफिक हैं वो हैं यूनाइटेड किंगडम, US, वियतनाम, इंडिया एंड जर्मनी।
तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा login/register, इस पे आप क्लिक करेंगे और रजिस्टर योर सेल्फ वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना यूज़र नेम देना है, ईमेल आईडी देनी है, इसके बाद ईमेल आईडी को कंफर्म करेंगे, पासवर्ड देंगे, पासवर्ड को भी कंफर्म कर लेंगे और कैप्चा सोल्व करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप अपना अकाउंट वेरीफाई कराएंगे और अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ गाइस, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपको यहाँ से बैकलिंक गेन करना है। जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो यहाँ पे आपको आपका नेम दिखाई देगा, इसके बाद आप एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और अबाउट मी वाले सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट के URL दे सकते हैं और कीवर्ड को भी हाइपरलिंक कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे देनी है, जैसे कि जेंडर, लोकेशन, ऑक्यूपेशन एंड हॉबी। और कॉन्टैक्ट ऑप्शन में आपको वेबसाइट का ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का URL पेस्ट कर देना है। इसके बाद ये सारी सेटिंग्स आप सेव कर देंगे और अपने पेज पे रिडायरेक्ट होंगे और अबाउट मी वाले सेक्शन में आपको जाना है। और यहाँ पे आप चेक करेंगे तो अगर मैं आपको इंस्पेक्ट पे जाके चेक कराऊँ ये लिंक्स वन बाई वन, तो यहाँ से आपको 100% नो फॉलो बैकलिंक गेन हो जाते हैं। अगर सेकेंड बैकलिंक आपको चेक कराऊँ तो ये भी नो फॉलो है, एंड अगर थर्ड बैकलिंक चेक कराऊँ तो ये भी नो फॉलो बैकलिंक। तो ये चार वेबसाइट्स थी जहाँ से आप अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक गेन कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट का ऑर्गेनिक ट्रैफिक, रेफरल ट्रैफिक एंड वेब अथॉरिटी इंक्रीज कर सकते हैं।